नमस्कार दोस्तों, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह यादव। आपको बता दें, जीएनएन न्यूज अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो उसके नीचे लाल बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब जरूर करें और उसमें कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि हम आप तक जो चीज़ पहुंचा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको उसमें कुछ गलत लगता है तो उसमें आप कमेंट्स करेंगे, हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और उसके बाद अपने आप में सुधार करेंगे। तो आप इस बात का फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ध्यान रखें, आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ये आपका अपना चैनल है और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नमस्कार। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नंगली सक्रावती वार्ड 124 के कुतुब विहार क्षेत्र की हैं, जहां बीजेपी निगम पार्षद सविता पवन शर्मा का कुतुब विहार फेस टू में भव्य स्वागत किया गया। जीत की खुशी में फूलों की वर्षा कर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सविता पवन शर्मा की प्रचंड जीत पर खूब जोरदार स्वागत किया गया। जीएनएन संवाददाता राजेंद्र सिंह यादव ने जब पवन शर्मा से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो काम अधूरे रह गए थे उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी और तेजी से और अच्छे ढंग से क्षेत्र में काम किया जाएगा। जो भी कमियां रह गई होंगी उन्हें भी दूर किया जाएगा। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए पवन शर्मा बोले, विधायक गुलाब सिंह की विकास रुकावटों को भी हम जल्द ही नंगली सक्रावती वार्ड को पूरा कर क्षेत्र की जनता को उनका अधिकार दिलाएंगे। जीएनएन न्यूज के लिए राजेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। और जी कार्ड को बधाई जो आपको हम सभी दे रहे हैं, जो आप कार्ड बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? उसमें से ये जो मेरे मेरे वही उपाधि दे रहा हूँ, इन सब के आशीर्वाद से, पूरे निर्देश वार्ड की जनता के आशीर्वाद से हमने ये हासिल किया। ये मेरी जीत नहीं है, पूरे वार्ड की जीत। सर, इस जीत की खुशी में अपनी क्षेत्र की जनता को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? आश्वासन नहीं है, वैसे तो आपने अपने समय में कार अपने ढंग से संभाल ही रखा था, फिर भी कुछ नया क्या करना चाहेंगे? अब जितने भी काम पेंडिंग है, जो गुलाब सिंह से परेशान है लोग यहाँ के विधायक से, उन कमियों को हम सब साथ बैठ के उनको दूर करवाने का प्रयत्न करेंगे। अब मेरे को पूरा एक्सपीरियंस भी हो गया, पहले तो 5 साल में नया आया था, 2 साल सीखने में लग गए थे, लेकिन अब तो डे वन से ही अपने खुर में आ गया। सर, जीत की बधाई किस तरह से आप देना चाह रहे हैं? जीत की बधाई मैं इनको, मेरी मैं सबसे बात मैं सोचता हूँ कि कभी भी ऊंचाई का अंत नहीं होता, एवरेस्ट आज भी बढ़ रही है, ये मोदी जी से भी आगे जाएं ताकि क्या बात है, बहुत बढ़िया, विधायक का टिकट भाई का, मोदी का टिकट भाई का, मोदी जो हर रिकॉर्ड टूटता है, अब मोदी जी जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उनका रिकॉर्ड है तोड़े, हमारी हार्दिक तमन्ना है। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, बस अगला टिकट जो है विधायक का मिले, ये आशीर्वाद है। जैसे मोदी जी, एक मिनट, जैसे मोदी जी की खासियत है, फर्स्ट बार विधायक, सुनिए, वीडियो कौन बनाएगा? सर, आज ये भंडारा आपने किस खुशी में किया है? भंडारे की दो खुशी जी। नंबर वन खुशी है कि मेरी बेटी है जी, बच्ची का वो मतलब वहीं पर जिंदगी हुई थी तो वो भी जा रही, तो ये तो ये है। दूसरी है, हमने प्री प्लान किया था मिस्टर पवन शर्मा जी अगर वो जीत जाते हैं तो ये भंडारा करने का पहले प्री प्लान था, और ये इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया था जी। तो एक्चुअली क्या है कि देश का भविष्य युवा नेतृत्व के हाथ में होना चाहिए, और ये जो हम लोगों की कल्पना है वो साकार हो रही है, इसके लिए मैं संपूर्ण रूप से कुतुब विहार और नंगली सक्रावती वार्ड के सभी वोटर्स, जितने भी वोटर्स हैं, सभी नागरिकों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीजेपी का कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी करवाने में हम भूमिका निभाई, इसके लिए मेरी तरफ से सागर शर्मा जी, बीजेपी की इस जीत को आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी मेरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सबको धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भाई पवन शर्मा को यहाँ से जिताया है,
और सभी वार्डों के बीच में सबसे ज़्यादा वोट हमारे डी ब्लॉक से ही मिला है इनको भाई को, उनका मैं सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और पवन भाई से कहता हूँ जो भी कार्य करता है उनके सहयोग में उनके साथ के काम। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे पवन शर्मा जी की जीत को? पवन शर्मा जी को बहुत बढ़िया अच्छी जीत मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? आप क्या कहना चाहेंगे पवन शर्मा को इस जीत की खुशी में, कुछ कहना चाहेंगे बताइए।